तमिलनाडु में ये साधारण सा खेत फल फूल रहा है, वो भी ऐसे जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मछली के तालाब धान के खेत में बदल जाते हैं और वापस मछली के तालाब बन जाते हैं। मछलियों पर ये सुनहरी चमक देखिए, चारा खाने वाली दूसरे तालाबों की मछलियों में ये चमक नहीं मिलती। एक राज है प्रोटीन से भरपूर शैवाल जो तालाब में ही उगता है। मछलियां उसे खाकर अमोनिया निकालती हैं जो नाइट्रोजन में बदल जाती है। चावल उगाने में उसकी बड़ी भूमिका है। हम लोग मछलियों को शैवाल खिलाते हैं तो वे समंदर की मछली जैसे पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट होती हैं। थोड़ी सी मात्रा में ये शैवाल सिर्फ 15 दिनों में खूब फैल जाता है। 50 किलो शैवाल जल्द ही 5 टन बन जाता है। मैंने जब फिश फार्मिंग शुरू की थी तो धूप से उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती थी, लेकिन शैवाल उनकी हिफाजत करता है। 4 से 5 महीने बाद करीब 90% शैवाल को हजम कर लेने के बाद मछलियां निकालने लायक हो जाती हैं। मैं अलग अलग किस्म की मछलियां उगाता हूं, कार्प और रोहू से लेकर पोटला और मरेल तक। हम लोग 170 रुपए की खुदरा कीमत पर मछलियां बेचते हैं। हफ्ते में 300 किलो मछलियां पकड़ता हूं, यानी महीने में 1 टन। इतनी मैं 12 एकड़ के अपने खेतों में पैदा कर लेता हूं। इससे मैं एक साल में 10 लाख रुपए कमाता हूं। पुनैया का तरीका बिल्कुल जैविक है। वो किसी तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते, उस वजह से लागत नहीं बढ़ती। ये शून्य बजट की प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहलाती है। एक आम किसान प्रति एकड़ 20,000 रुपए खर्च करेगा लेकिन कमाएगा सिर्फ 10,000 रुपए। लेकिन मिलीजुली खेती में खर्च नहीं आता, क्योंकि एक फसल का कचरा दूसरी फसल के लिए खाद का काम करता है। खेती के इस तरीके को जानने के लिए पुनैया देश भर में घूमे। भारत में करीब 2 करोड़ हेक्टेयर खेती इस किस्म की सर्कुलर इकोनॉमी के लिए उपयुक्त होगी, लेकिन अभी सिर्फ 1% जमीन पर ही ऐसी खेती की जा रही है। अब पुनैया ठीक से जानते हैं कि कौन सी प्रजाति का चावल और मछली एक साथ पैदा किए जा सकते हैं। अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हर किसान को इस तरह की मिलीजुली खेती की ओर आना चाहिए। किसानों और ग्राहकों दोनों के लिए ये फायदेमंद है। इससे कीमतें भी कम होती हैं और पर्यावरण को भी फायदा होता है।